कभी बूढ़ा पहाड़ पर सक्रिय रहा 15 लाख इनामी माओवादी कमांडर अमन गंजू ने आत्मसमर्पण कर दिया है। सितंबर महीने में झारखंड पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के संयुक्त ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों से खाली करा लिया गया था। अमन गंजू नक्सल विरोधी अभियान के तहत नक्सलियों से बूढ़ा पहाड़ खाली होने के बाद से ही भागा फिर रहा था। बूढ़ा पहाड़ को खाली कराने के बाद बूढ़ा पहाड़ की चोटी पर झालू डेरा। लातेहार जिला में तीसिया एवं नवाटोली तथा झारखंड की सीमा से सटे छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिला में कुंदाग में सुरक्षा बलों ने कैंप स्थापित किया है। सुरक्षा बलों के कैंप की बदौलत नक्सलियों को फिर से सक्रिय होने का मौका नहीं मिल पा रहा है। यही वजह है कि उस इलाके में जो बचे हुए नक्सली हैं, वह या तो भागने की फिराक में हैं या फिर आत्मसमर्पण कर रहे हैं। भाकपा माओवादियों का रीजनल कमांडर अमन गंजू उर्फ अनिल गंजू उर्फ प्रमुख सिंह भोक्ता उर्फ काजू जी उर्फ काजू भोक्ता मूल रूप से बिहार के औरंगाबाद जिले के ढिबरा थाना क्षेत्र के झरना गांव का रहने वाला है। उसने रांची के जोनल आईजी पंकज कंबोज के कार्यालय में सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस के सीनियर अफसरों के सामने आत्मसमर्पण किया है। बूढ़ा पहाड़ में जो अरविंद थे उनके मृत्यु के बाद हम मन बना लिए थे सर, बाकी हम मौका के इंतजार में थे कब निकले कैसे निकले, उसी में हमको मौका मिला तो वही हम सलामू सॉरी पटना रेंज के सीआरपीएफ के डीआईजी के संपर्क में आओ गढ़वा एसपी के माध्यम से यहाँ आए हैं। दिक्कत हाँ दिक्कत सर अरविंद जी के मरने के बाद संगठन में काफी मतलब जो अथी हो गया मतलब बिखराव जैसा, उनको मृत्यु के बाद मतलब सब अपना मन से अपना ढंग से मतलब करने लगे जो यहाँ पर नेता थे वो मतलब बाकी लोग के नहीं अपना अपना मतलब अपना घर परिवार अपना अपना देखने और दूसरा के और दूसरा जाति के लोग के नीच जाति के नहीं देखने लगे, उसी से हम मतलब मन बना करके जो पटना रेंज के सीआरपीएफ के डीआईजी के डीआईजी सर के जरिए एक दो तीन साल पहले से क्या स्थिति है अमन? हाँ सर संगठन की क्या स्थिति है? संगठन का स्थिति तो अब खत्म होने का स्थिति में है सर। सरेंडर करने के लिए अथी करेंगे जो झारखंड पॉलिसी झारखंड सरकार का जो पॉलिसी है सरेंडर पॉलिसी के तहत हम मतलब आह्वान करेंगे सरेंडर कर जाए। शोषण हो रहा अंदर को? हाँ सर जो उग्रवादी संगठन के जो सदस्य थे उन्होंने पुलिस के समक्ष केंद्रीय बलों के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। आज इसी कड़ी में एक इम्पॉर्टेंट सरेंडर आज यहाँ पे हो रहा है। भाकपा माओवादी संगठन के शीर्षस्थ नेताओं में एक रीजनल कमेटी मेंबर रीजनल कमांडर अमन गंजू जो कि 15 लाख का इनामी है, उसके द्वारा आज झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के पदाधिकारियों के समक्ष स्वेच्छा से आत्मसमर्पण किया जा रहा है। झारखंड पुलिस के द्वारा झारखंड सरकार के द्वारा इस पर 15 लाख का इनाम घोषित किया हुआ था। वर्ष 2004 के पश्चात ये उग्रवादी संगठन में शामिल हुआ और धीरे धीरे संगठन में आगे बढ़ता गया और अभी ये रीजनल कमांडर के पद पर संगठन से जुड़ा हुआ था। इस वर्ष जब बूढ़ा पहाड़ पर झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के द्वारा निर्णायक लड़ाई प्रारंभ की गई और ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया, उसके पश्चात उस क्षेत्र से नक्सलियों का लगभग सफाया हुआ। झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा पर कैंप्स स्थापित किए गए जिसमें कुंदा टीसिया नवाटोली इन सब क्षेत्रों में जो दुर्गम क्षेत्र थे उनमें संयुक्त बलों के द्वारा पिकेट्स कैंप स्थापित किए गए और
बूढ़ा पहाड़ के टॉप पर झालू डेरा जो गांव है वहां पे सुरक्षा बलों के द्वारा कैंप स्थापित किया गया और लगातार उस क्षेत्रों में उस क्षेत्र में अभियान चलाया गया। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।